अस्सलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की कस्टर्ड मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होती है और बहुत ही रिफ्रेशिंग होती है तो चलें इस आसान हम मज़े की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और इसमें पानी शामिल कर दिया है पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम बादाम शामिल कर देंगे तो बारह से पंद्रह बादाम आप शामिल कर दें तो पानी में एक से दो बॉइल आने दें और इसके बाद हम सारे बादाम निकाल लेंगे तो बिना सोप किए आप बादाम के छिलके को इस तरह से निकाल सकते हैं तो देखिए इस तरह से बॉयल हो चुकी है ये तो फ्लेम को ऑफ कर दी और इसे अब हम छील लेते हैं तो इस तरह से देखिए इसके जो छिलके हैं वो आराम से निकल रहे हैं तो इस तरह से हम बाकी के भी निकाल लेंगे तो आपको बहुत देर के लिए सोक करने की ज़रूरत नहीं है बस गर्म पानी में डाल के थोड़ा सा बॉयल कर ली और छिलके जो है वो निकल जाएंगे और इसे अब हम एक ग्राइंडर में शामिल कर देंगे और इसका हमने कोर्सली पाउडर तैयार करना है यानी दर जरा से पाउडर और कुछ भी इसमें आपको ऐड नहीं करना है अब एक बोल मैंने यहाँ पे लिया है और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन वन टेबल स्पून मिल्क पाउडर यानी कि यह खुश्क दूध और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे टू टी स्पून कस्टर्ड पाउडर वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने यूज़ किया है और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये जब मिक्स हो जाए इसके बाद इसमें हम दूध शामिल कर देंगे तकरीबन टू टू थ्री टेबल स्पून और अच्छी तरह से इसे मिक्स करें कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए तो अच्छी तरह से मैंने इसे यहाँ पे देखें मिक्स कर लिया है और इसे हम रखते हैं अब एक साइड में अब एक पैन मैंने लिया है इसमें शामिल कर देंगे एक कप मिल्क और ये मैं एक सर्विंग के लिए बना रही हूँ तो एक कप मिल्क इसके लिए इनफ है आप यहाँ पे रेगुलर मिल्क या फिर फुल फैट मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपली हम क्या करेंगे कि इसमें बॉयल आने देंगे तो देखिए इसमें अच्छी सी बॉयल आ चुकी है तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया था और इसमें हम शामिल कर देंगे कस्टर्ड वाली मिक्सचर जो हमने बना के रखी थी और अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे दूध में शामिल करें तो ये मैंने सारा डाल दिया है तो फ्लेम को आप यहाँ पे लो टू मीडियम में ही रहने दी और अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है और अब हम एक बॉयल और आने देंगे इसमें जब एक बॉयल आ जाए तो इसमें हमने जो बादाम वाली पाउडर तैयार की थी तो वो हमने इसमें डाल देनी है और ये डाल दिया मैंने इसमें इस सारा अच्छी तरह से इसे मिक्स करी और बादाम को आपने बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है कोर्सली नहीं रखे ताकि वो अच्छी लगती है ड्रिंक में तो देखें अच्छी तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है थोड़े से मैं यहाँ पे केसर डाल रही हूँ यानी ज़ाफ़रान डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स किया है दोबारा से इसकी एक बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही अच्छी कलर आती है इससे इसी के साथ हाफ टी स्पून मैंने इसमें वनी लसनस का डाला था और आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसे मैंने थोड़ा मिक्स किया है लास्ट में हमने इसमें चीनी डालनी है तो चीनी हमेशा लास्ट में डाला करें तो किसी भी ड्रिंक या डेजर्ट में चीनी हमेशा आखिर में डलती है तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे हम अच्छी तरह से पहले रूम टेम्परेचर में ठंडा कर लेंगे इसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से चल हो जाए और इसके बाद आप इसे सर्व करें बहुत ही मजे की बनती है और इसके ऊपर से चॉप के हुए पिस्ता डाल दें जो कि बहुत ही अच्छी लगती है या तो फिर आप अपनी कोई भी पसंद की ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं तो देखा आपने बहुत ही आसान और मजे की हमारी कस्टर्ड मिल्क शेक रेडी हो चुकी है तो इफ्तार में बनाए आप ये बहुत ही मजे की लगेंगी तो जरूर ट्राई करें और मुझसे अपनी फीडबैक भी शेयर करें रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स्ट रेसिपी में इंशाला अल्लाह हाफिज